क्या हुआ? अब्राहल के फौजियों ने मक्के के पास पड़ाव डाल दिया है। लोगों का डर के मारे बुरा हाल है। कोई भी उसका सामना करने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहा है। उन्होंने लोगों के ऊंटों को लूट लिया है। उन ऊंटों में 200 ऊंट आपके भी हैं। अब आप क्या हुक्म देते हैं? हमें कोई तरकीब सोचनी होगी ताकि अब्राह के लश्कर को भगा सके, और इसी तरह हमें कोशिश करनी होगी कि अब्राह का लश्कर तिजारती काफलों को न लूट सके। अब आप बताएं कि हम क्या करें। मुझे इस बारे में कुछ सोचना होगा। मेरे बेटों को खबर करो कि यहां आए। जो आपका हुक्म। इस वक्त मक्का बहुत खतरे में है। कुरैश के सरदार तुम हो? तुम्हें पता है कि मैं मक्के में क्यों आया हूं? मैं मक्के में इसलिए आया हूं कि काबा को बर्बाद कर दूं। ना मैं लड़ाई करना चाहता हूं और ना ही किसी का खून बहाना चाहता हूं। इसलिए अपने कबीले के लोगों को बता दो कि
अगर वो अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं तो अपने घरों में ही बैठे रहें और लड़ाई करने की कोशिश ना करें। अगर ऐसा ना हुआ तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी एक गुजारिश है, अगर तुम मुझे इस बात से रोकने के लिए आए हो कि मैं काबे को बर्बाद करने का इरादा तर्क कर दूं, तो तुम्हें यहां आने की तकलीफ नहीं उठानी चाहिए थी, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा इरादा बिल्कुल बदलने वाला नहीं है। सुना तुमने, काबे को हर हाल में तबाह होना होगा। गुजारिश और इल्तिजा बेफायदा है। लेकिन मेरी गुजारिश कुछ और है। क्या? मक्के के बाशिंदों के ऊंट, खास तौर से मेरे 200 ऊंट तुम्हारे सिपाहियों ने लूट लिए हैं। अच्छा, उन्हें हुक्म दो कि ये ऊंट उनके मालिकों को लौटा दिए जाएं। क्या? क्या तुम सिर्फ इसीलिए यहां पर आए हो जो कि मक्के की एक बड़ी हस्ती हो और काबे की कुंजी तुम्हारे पास है? इतने रौब और दबदबे के बावजूद इतनी दूर से इसलिए चलकर आए हो कि अपने ऊंटों को वापस ले सको? बड़ी हैरानी की बात है बूढ़े आदमी। ये तो बिल्कुल समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं तो तुमसे कुछ और ही उम्मीद लगाए बैठा था। रहा मैं अपने ऊंटों का मालिक हूं। इस घर का भी कोई मालिक है जो उसकी हिफाजत खुद करेगा। सुनो सिपाही, बोल दो कि इस आदमी के ऊंट लौटा दिए जाए। जो हुक्म। तो ये बात है, इस घर का भी कोई और मालिक है। कल मैं देखूंगा कि इस घर का मालिक इसे कैसे बचा पाता है। सुकून रहो, सब ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करें अब्दुल मुत्तलिब? ए मक्के के लोगों, ए यहाँ बसने वालों, मेरी बात सुनो। जितनी जल्दी हो सके अपने घरों को छोड़ दो और पहाड़ों पर पनाह ले लो। हम वहाँ पर इंतजार करेंगे और देखते हैं कि क्या अंजाम होता है। अब्राह ने मुझसे कहा है कि उसे मुझसे कोई काम नहीं है। उसकी इस लश्कर कसी का मकसद खाने काबा को तबाह और बर्बाद करना है। मक्के के सरदार, क्या हम चुपचाप बैठे रहें और ये सब होता देखते रहें? वो आए और इसे तबाह कर दें? मेरे बेटे, हम उससे मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। मैं नहीं चाहता कि अब्राह की जालिम फौज तुम्हें और तुम्हारे बेगुनाह बच्चों और औरतों को तहे तेग कर डाले। मैं ये मंजर नहीं देख सकता। तुम क्या करोगे अब्दुल मुत्तलिब? क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे? मुझे कुछ और काम है।
जितनी जल्दी हो सके खाना पानी लेकर अतराफ के पहाड़ों में पनाह ले लो। तुम इत्मीनान रखो कि इस घर का मालिक खुद इसकी हिफाजत करेगा और तुम बहुत जल्द अपने घरों की तरफ लौट आओ। जल्दी करो, अपने अपने दरवाजे बंद कर लो, हो सकता है वो यहाँ पहुँच जाए। भागो 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 भागो। क्या वो सच में आएगी? हाँ, वो आ रहे हैं, भागो। मैं अपने घोड़े को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। परवरदिगार, हमें तेरे अलावा किसी और से उम्मीद नहीं है। खुदाबंद, दुश्मन तेरा घर बर्बाद करने के लिए आया है, उन्हें अपनी हुदूद में दाखिल होने से रोक दे। काबे का दुश्मन वो है जो तेरा दुश्मन है। वो इस घर को तबाह करने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो तेरी दुश्मनी की वजह से आया है। परवरदिगारा, खुदा बंदा, उसे अपनी हुदूद में दाखिल होने से रोक दे। है खुदा बंदा। अब्दुल मुत्तलिब सुबह तक खाना काबा की दहलीज पर खुदा बंदे आलम की बारगाह से मुनाजात करते रहे।